नमस्ते एंड वेलकम टू इशिता साहब। आज हम देखेंगे एक नया रेसिपी, गाजर के खीर बनाने का। पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा घी, ग्रेटेड गाजर, कैरेट, कस्टर्ड पाउडर, शुगर, आलमंड, कैशू नट्स, काजू, थोड़ा दूध में भिगोया हुआ केसर और थोड़ा सा दूध। नहीं, जरूर इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद आइए देखते हैं हम कैसे बनाना शुरू करते हैं। पहले आधा लीटर दूध लीजिए, उसको एक तरफ दूध उबालने के लिए रख दीजिए और एक पैरेलली दूसरे पैन में थोड़ा सा घी डालकर, अभी इस घी में गाजर को डाल के थोड़ा सा गरम कर लीजिए, ग्रेटेड गाजर को डाल के। अब दो तीन मिनट तक गाजर को घी में गरम होने दीजिए ताकि गाजर फ्लेवर पकड़े घी का। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, दो तीन मिनट के बाद गाजर का रंग थोड़ा बदल गया है। तो अभी गाजर को एक प्लेट में निकाल लीजिए और आप देख सकते हैं कि पैरेलली दूध भी उबल गया है। अभी आलमंड्स और कैशू थोड़ा घी में फ्राई कर लिए। खीर के क्वांटिटी के हिसाब से आलमंड और कैशू डालना है। दो मिनट के लिए फ्राई कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी हमने आलमंड और कैशू फ्राई कर लिया है। अब इस पैन में जो हमने दूध उबाला है उसको डाल दीजिए इस पैन में। अभी दूध गर्म होते रहेगा, फ्लेम ऑन है, पैन में दूध गर्म होते रहेगा। मीनवाइल कस्टर्ड पाउडर जो हमने लिया देखा है शुरू में, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए कस्टर्ड में। पानी ऐड करके लंप्स जो भी रहते हैं, गुठलियाँ जो भी रहते हैं, वो सब निकाल दीजिए। पानी को अच्छे से मिक्स करके इस कस्टर्ड मिक्सचर को गरम जो हुआ है उस दूध में डाल दीजिए। अब इस कस्टर्ड और दूध के मिक्सचर को उबालिए। स्टर करते रहना ज़रूरी है। जैसे ही दूध उबलने लगता है उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए, शक्कर ऐड कर दीजिए, अपने ज़रूरत के अनुसार शक्कर ऐड कीजिए। शक्कर ऐड करने के बाद फिर से दूध को उबलने दीजिए। दूध को कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना ज़रूरी है। जैसे ही दूध फिर से उबलने लगता है, जो हमने फ्राई करके रखा है गाजर, ग्रेटेड गाजर को, उसको दूध में डाल दीजिए। गाजर डालने के बाद थोड़ा उसको दूध को उबलने दीजिए ताकि गाजर नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए उबल के। डिश को थोड़ा रिच बनाने के लिए आप खोया भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा कंसिस्टेंसी भी थिक रहे। अभी थोड़ा सा फ्राइड जो हमने आलमंड और कैशू फ्राई किया है उसको डाल दीजिए। जो बचा है वो गार्निशिंग के लिए यूज काम आएगा।
जैसे ही गाजर पक जाता है उसमें ये दूध में भिगोया हुआ केसर डाल दीजिए। केसर दूध में भिगोया हुआ केसर ऐड करने के बाद थोड़ी देर उबालने के लिए छोड़ दीजिए। अभी हमारा खीर बन गया है। आप देख सकते हैं कि खीर थोड़ा गाढ़ा बन गया है। तो अभी हमारा खीर रेडी है और हम सर्विंग डिश में इसको निकाल सकते हैं। तो ये बन गया है हमारा गाजर का खीर। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम अगली बार फिर आएंगे और एक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।